सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या विवाद को लेकर गठित मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर सुनवाई हुई और इस पर सुप्रीम कोर्ट में मध्यस्थता कमेटी को 15 अगस्त तक का समय और दिया गया। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद के हल के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व जस्टिस FMI कलीफुल्ला की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया था और पैनल ने अपनी रिपोर्ट पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। 8 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को 8 हफ्ते रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के लिए कहा था। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की और अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मध्यस्थता समिति को 15 अगस्त का समय दिया गया। SC ने मध्यस्थता के लिए बनाया था 3 लोगों का पैनल। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इसकी सुनवाई की। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और मध्यस्थता समिति को 15 अगस्त तक का समय और दिया गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 लोगों का पैनल तैयार किया था। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मध्यस्थता समिति को 15 अगस्त तक का समय दिया गया। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस पर सुनवाई की। मध्यस्थता कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक का समय दे दिया। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की।